बिलीव नहीं हो रहा भाई आप मेरे को, आप बड़ोई में दिखे, मैं भाग के आ गया एकदम। गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हैं, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस थोड़ा कोल्ड लग गया मुझे, तभी मैं व्लॉग नहीं डाल पा रहा, और आज जा रहा हूँ अपनी कॉन्टिनेंटल जीटी 650 की सर्विस करवा, अपनी रॉकेट की, इसका नाम रॉकेट है, रॉकेट की सर्विस करवाने जा रहा हूँ मैं। अब इसको लेके जाता हूँ, फिर देखते हैं वहाँ पे वो कैसे फेयरिंग खोलेंगे, क्या कॉस्टिंग आएगी। साथ में मेरा फ्रेंड है, तो मैंने अभी निंजा को वॉश करवाना था, पर यहाँ पर लाइट नहीं है, तो इसके भी चेन लूप मैंने मार ही दिया, इसमें बहुत जरूरी था। ये मेरा गैराज था, लोग होते हैं ना कुछ इश्यूज क्रिएट करते हैं, तो गैराज बन जाएगा मेरा, तो बहुत अच्छा जगह अंदर वो खड़ी है, रॉकेट 1 और रॉकेट 2 हो रही, और ये रॉकेट 2 सो रखे हैं। मैं निकलता हूँ, वैसे भी कोल्ड स्टार्ट मैंने कर ही दिया था, थोड़ा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। भाई कहाँ जा रहा है भाई, ये बाइक है ना, सच बता रहा हूँ, मतलब काफ़ी अच्छी बाइक है ये, और इसमें ये जो फेयरिंग लगने का, इसको और ज़्यादा इन्हेंस करती है बाइक ये फेयरिंग के बाद, और मज़ा आ जाता है इसको चलाने में। मेरे को अलग ही फील आता है, ऐसा लगता है मैं पता नहीं कौन सी रेसिंग बाइक चला रहा हूँ, बहुत खतरनाक आ रही है, और खतरनाक ही है भी, ऐसा कुछ नहीं है। अभी दोस्त को यहाँ से लेता हूँ मैं, वो अपनी आरसी में चलेगा, फिर उसके बाद और बाइक्स भी मेरे को वॉश करवानी है। बहुत प्यारी लीन होती है भाई ये बाइक, सही में यार, मतलब इसकी पहली टच कर देता हूँ मैं गाइस, सीरियसली गाइस, इसमें मजाक नहीं कर रहा, इसकी पहली टच हो जाती है पीछे। गाइस तुम्हें ब्लॉग में इसकी आवाज़ सुनाई दे रही, बट इसकी आवाज़ लिटरली बहुत ज़्यादा है, ऐसा लगता है कोई फायर हो रहा है। ये देखो भाई कितनी प्यारी लग रही है, छोटी सी कार, ये खड़ी है भाई की बाइक वॉश करके। अभी निकलते हैं यहाँ से, तेल वेल डलवा के मैं आयुष को उठा लिया घर से, और थोड़ा कोल्ड था तो व्लॉग नहीं कर पा रहा था, तब निकलते हैं। इसकी सर्विस लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है, 1000 रुपये करानी थी, 1600 हो गई है, और देख लो एक खड़ी दोनों बीस्ट, चलो चलते हैं फिर। आगे दूंगा इसको चलाने के लिए, और तुम्हें दिखाऊंगा ये कैसी लगती है। अभी इसको देता हूँ मैं चलाने के लिए, और तुम्हें दिखाता हूँ कैसी लगती है, उसकी बाइक से पता चलेगा ये कैसी लग रही है। तो आ गया भाई ऑफ रोड, खड़ा होना बनता है यहाँ पे, कैमरा बिल्कुल नीचे हो गया होगा, बाइक कैसी तैसी हो जाती है यार। देखो ज्यादा काम नहीं है, थोड़ा सा काम है, कर देना चाहिए। तो मैं इसको देता हूँ बाइक, तू चला, मैं इसमें रिकॉर्ड करूंगा इसको ना। तो आज तुम्हारा भाई आ गया 150 cc पे, हमारी संडे राइड कुछ इस तरह से है, गाड़ियों की सर्विस करवाते हैं यार, राइड वाइड तो होती रहेगी ना, बाइक की सर्विस कराना भी जरूरी है। इसमें टायर चेंज कराऊंगा गाइस मैं ना, अभी तो नए हैं, बट फिर भी मैं चेंज कराऊंगा, इसके टायर दूसरी में डाल दूंगा, और इसमें मैं थोड़े सेक्सी से टायर डलवाऊंगा, खतरनाक वाले। ये देखो बॉस, अभी ये मुंह की छुपा रहे हैं, मुझे नहीं पता। उसने मुंह छुपा दिया, देख। निकाल ले यार, देख रहे हो गाइस। कोई ना, क्या हो गया, हम भी बैठे हैं यार, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है गाइस। मैं एक बाइक लवर हूँ, मेरे लिए नॉर्मल चीज़ है कि कौन कैसे बैठा है, कौन कौन सी बाइक चला रहा है, मैं स्प्लेंडर वाले की रिस्पेक्ट करता हूँ मैं, सीरियसली। ये देखो मैं 125 cc चला रहा हूँ भाई, को मैंने अपनी वो दे रखी कॉन्टिनेंटल, तो क्या मैंटेलिटी है उसका तो मैं क्या ही बोल सकता हूँ ना। तो आज बाइक की सर्विस हो जाएगी, बहुत खुश लग रही है मुझे भाई, ये 1600 नहीं 1792 चल पड़ी है ये। गाइस मैंने एक चीज़ नोटिस तो की है, तुम यदि पास लेते हो ना बाइक में, थोड़ी सी पावर होना जरूरी है। आदत पड़ी हुई है नहीं, नहीं। तुम नीचे ले जाओ बाइक को, है ना, हो जाएगी ना, आप बताना है ना, निकालो कोई और मॉडल भी एक आप। पक्का कौन सा, 850 यही आ रहा है, और सीसी ना 650 अच्छा अच्छा ये लगा दो भैया। तो गाइज ये लगा दी मैंने अपनी बाइक सर्विस के लिए, अब मैं पूछता हूँ क्या प्रोसेस है इनका। सो गाइज फाइनली बाइक मेरे अंदर लग चुकी है, आधा काम हो चुका है, और मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ, तुम्हें चीज़ गलती मत करना। कैप होता है ना गाइज, यहाँ जो इस साइड पे लगता है ये वाला, तो ये यहाँ से ना एक नेट निकलता है, ये नेट निकलता है मैंने ये नेट, मेरे को पता नहीं था, मैंने ऐसे खींचा और टूट गया, कोई ना ये चेंज करवा लेंगे। तो तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ मैं जूम करके, तो जो नीचे बैट देखी वो ना धूप में नहीं रहते हैं, तो वो कांप रही है, तो मैं उसके ऊपर ये गत्ता रख देता हूँ जाके, क्योंकि वो धूप में नहीं रह पाते, वो अंधेरे में रहते हैं, बट वो पता नहीं क्या हो गया उसका एकदम से। तो गाइस जैसे हेल्प कर दी करो यार, है ना, वो थोड़ी गत्ता उठाएगी, वो चिपक गई है वहाँ पे, रात को उड़ जाएगी वैसे भी वो। निकल रहे हैं यहाँ से, सर्विस होगी हमारी, ये खड़ी बाइक वॉश में करवा नहीं रहा हूँ, वॉश करवाऊंगा मैं अपने वहीं पे।
कैसा है भाई? थैंक यू भाई। भाई लीव नहीं हो रहा भैया। भैया मैं आपको लास्ट टाइम न्यू ईयर पे आप कांगड़ा साइड गए थे ना भाई, आप तीन निंजा थे आपके साथ दो और भाई, तब से आपकी रात को 10 बजे भैया दूर से साउंड आ जाती है भैया, प्लीज मैं भैया एक फोटो हो जाए प्लीज। हाँ पक्का, मेरे पास फोन है ब्रदर, मैं प्लीज कैसे लिफ्ट ये ले लेगा, ये ले लेगा। मेरे को आप बड़ोई में दिखे, मैं भाग के आ गया। क्या ट्रक के सामने वो क्या कट मारा था लास्ट टाइम आपने? ब्रदर राइट ऑन ठीक है यार, थैंक यू। फैन नहीं बोलते भाई हम लोग यार, ठीक है यार, ठीक है ठीक है, कोई नहीं यार, ठीक है भाई, ठीक है भाई, थैंक यू यार। नहीं देखी थी, कैसी लग रही है? ये के चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना, शेयर भी करना। तो गाइस मैं ब्लॉग को यहीं ख़त्म करता हूँ, और ये बच्चे थे छोटे अपने फैन, और चलते हैं अभी, चल बड़ी, ठीक है।